guys, welcome back to our YouTube channel. I hope you find this video in the best of your health, physically and mentally. So today I'm going to share with you guys this homemade hairspray that I have been using for so many days now. Actually for months, to be honest. मैंने यहाँ पे अपनी progress भी आप सबके साथ share करी थी of month 1, month 2 and month 3 and this is month 4 and you can definitely see that all the bald patches on my hair are gone. I can see a lot of new hair growth as well and this is like magic. इसको आप घर पे बना सकते हो and it is equally good like your hair growth serums जो आजकल market में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं. I'm not saying that those serums are not good. मैं personally भी Wishcare और Plix का serum use करती हूँ. Bare Anatomy वाला भी मैंने use करा है. वो काफी अच्छे हैं. पर अगर आपको एक natural alternative चाहिए जो आप रोज use कर सकते हो, वो serums अब market में आए हैं. मैं इस water को कम से कम 6 या 7 सालों से use कर रही थी. फिर मैंने बीच में छोड़ा because मैं hair serums use करने लग गई थी. So let me just show you guys how you can make it. उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसको कैसे use करना है. तो सबसे पहले आपको बॉइलिंग वाटर में मेथरे डालने हैं, करी लीव्स डालने हैं, उसके बाद रोजमेरी जो मेन हीरो इंग्रेडिएंट है ये आपको काफ़ी सारा डालना है. और ये आप ड्राइड भी यूज़ कर सकते हो, फ्रेश भी यूज़ कर सकते हो. उसके बाद एलोवेरा डालना है. ये फ्रेश एलोवेरा लीफ मैंने डाला है, जेल नहीं डालना है. फिर ये विटीवर रूट जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ये आपको हेयर ग्रोथ में काफ़ी हेल्प करती है और आपकी स्कैल्प को सूद भी करती है. फिर हिबिस्कस फ्लावर है, ये ड्राइड हिबिस्कस फ्लावर है, आप ड्राइड ही यूज़ करना क्योंकि ये कलर नहीं छोड़ता. उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लो. अब आपको इसको कम से कम 10 to 15 minutes के लिए बॉयल होने देना है. जब ये अच्छे से बॉयल हो जाए उसके बाद आप इसको कवर करके कम से कम 24 hours के लिए छोड़ दो और फिर इसका कलर ऐसा आ जाएगा. इसको एक बॉटल में ट्रांसफर कर लो. स्टार्ट बाय सेक्शनिंग योर हेयर. अपने बालों को अच्छे से सेक्शन कर लो, मिडिल से कर लो या अगर आपके कहीं एक स्पेसिफिक एरिया पे ज्यादा बॉल्ड पैचेस है वहां से कर लो. उसके बाद जस्ट स्प्रे इट ऑन योर हेयर लाइक दिस. ज्यादा स्प्रे आपको नहीं करना है, बस थोड़ा सा करना है. उसके बाद इसको अच्छे से अपनी स्कैल्प में मसाज कर दो, बहुत अच्छे से इसको 2 मिनट के लिए मसाज करो. और मैं सेम चीज दूसरी साइड भी करूंगी. बस आपको अच्छे से सेक्शंस बनाने हैं और इसको स्प्रे करना है. बिलीव मी विद इन सेकेंड्स ये सूख जाएगा. आपको फील भी नहीं होगा कि अपने बालों पे कुछ लगाया भी था. आप अच्छे से पूरा सेक्शन कर सकते हो, नीचे भी अप्लाई करो, सारे बालों में आपको इसको अच्छे से अप्लाई करना है. एंड जस्ट लेट इट ड्राई एंड गो टू स्लीप. उसके बाद शैम्पू करना भी जरूरी नहीं है. आप जैसे अगर वीक में 2 बार शैम्पू करते हो वैसे ही करो. प्लीज मेक श्योर टू ऑयल योर हेयर एवरी टाइम यू शैम्पू योर हेयर. सो यार गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप यू गाइस एंजॉयड इट. आई होप ये आपके लिए यूजफुल निकले. अगर आप इसको ट्राई करोगे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना. और अगर आपने ऑलरेडी इसको ट्राई करा है या आप चाहते हो मैं इसमें कुछ और इंग्रीडियंट्स ऐड करूँ तो वो भी मुझे जरूर बताना. एंड आई शैल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो. में एक बर्थडे सीरीज कर रही हूँ जिसमें आपको अगस्त के मंथ में 30 वीडियोज देखने को मिलेंगे ऑन माई यूट्यूब चैनल. तो प्लीज स्टे ट्यून्ड फॉर दोज वीडियोज. सब वीडियोज को देखना. प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल. शेयर दिस वीडियो विद अ फ्रेंड जिसको ये हेयर ग्रोथ वाटर ट्राई करना चाहिए. एंड आई शैल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन स्टे हैप्पी, टेक केयर.